नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा। तो ऊना के खूबसूरत एस्ट्रोटर्फ मैदान पर आप सभी का स्वागत है। इंटर कॉलेज गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट यहां पर शुरू हो चुका है और पहले मैच में सोलन और सुंदरनगर कॉलेजेस की टीमों के बीच भिड़ंत अभी जस्ट शुरू ही हुई है। और हॉकी का ये मैदान, एस्ट्रोटर्फ का ये मैदान आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ग्राउंड, और निश्चित रूप से यकीन मानिए हॉकी के खिलाड़ियों को पूछिए कि इस मैदान पर खेलने का क्या लुत्फ है। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर के पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऊना के एस्ट्रोटर्फ मैदान से लाइव हॉकी मैच लेकर आपके साथ जुड़े हैं इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। और देखिए शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए गल करो जी। और शानदार खेल का मुजाहिरा दोनों टीमों के बीच, सुंदरनगर और सोलन की टीम्स। और येलो में यहां पर सुंदरनगर हैं और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक एंड व्हाइट में सोलन कॉलेज की टीम। एक दूसरी टीम पर दबाव बनाने की रणनीति। और देखिए सुंदरनगर के खिलाड़ी रक्षा पंक्ति को भेदते हुए डी के पास बिल्कुल जा पहुंचे हैं। और ये देखिए अच्छा डिफेंस सोलन का, और सोलन का जवाबी हमला, और निश्चित रूप से काफी अहम शॉट बट द फाउल। इंदिरा गांधी खेल परिसर से आप इस वक्त एस्ट्रोटर्फ मैदान से लाइव मैच का नजारा दे रहे हैं और सुंदरनगर और सोलन कॉलेजेस के बीच गर्ल्स हॉकी मैच यहां पर चल रहा है। इंटर कॉलेज हॉकी टूर्नामेंट अभी यहां पर शुरू हुआ है और ये शानदार प्रयास, ओ बहुत जबरदस्त डिफेंस, पेनल्टी शायद दे दिया गया है। और ये पहला पेनल्टी कॉर्नर आते हुए, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। और मैच के पहले ही क्षणों में पेनल्टी कॉर्नर मिल रहा है दोनों टीमें गोल पोस्ट पर डिफेंस और अटैक के लिए तैयार। और ये मिस किया शॉट और इसके साथ ही, लेकिन गेंद को संभाल नहीं पाए। और ये देखिए सुंदरनगर जवाबी हमला करते हुए पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील नहीं कर पाई टीम। निश्चित रूप से सोलन को ये रन जरूर रहेगा क्योंकि अगर शुरुआती पलों में आप बढ़त बनाने में कामयाब रहते हैं तो निश्चित रूप से मनोबल टीम का जो है वो काफी बनता है और वो बढ़ता है और मैच को जीतने के लिए भी जद्दोजहद जो है वो तेज होती है। लेकिन यहाँ पर सोलन का जवाबी हमला, और ये यहाँ पर फिर से सोलन की मजबूत डिफेंस, और ये देखिए
जोड़ तोड़ जारी है दोनों ही टीमें। ऐसा नहीं है कि ये करो या मरो का मैच है, हालांकि ये पहला ही गेम उद्घाटनी मैच इस प्रतियोगिता का। और ये देखिए शॉट था लेकिन सोलन ने पेनल्टी कॉर्नर गवाया है। ये खेल शानदार खेल का मुजाहिरा और दो तीन खिलाड़ियों के बीच चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाई सुंदर नगर के खिलाड़ी। और एक बार फिर यहां पर जो है वो थोड़ा बहुत सफल। किसी भी तरीके से गोल पोस्ट को निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है यहां पर। खेलों की नर्सरी हिमाचल प्रदेश का ये छोटा सा जिला ऊना। और ये देखिए शानदार अटैक सोलन का लेकिन सुंदर नगर के पाले में गेंद। और ये देखिए ये देखिए फिर से प्रयास रहेगा जरूर। मैच को काफी इंटरेस्टिंग कर दिया है इन बालाओं ने और निश्चित रूप से स्टिक के साथ ड्रिबलिंग करते हुए या फिर एक दूसरे को छकाते हुए गेंद का किस तरह से इस्तेमाल करना है ये यहां पर दिखाया जा रहा है। और देखिए बॉल को छोड़ दिया सुंदरनगर की गर्ल्स ने क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब फ्री किक उन्हें ही मिलने वाली है, फ्री हिट उन्हें ही मिलने वाली है। हालांकि परिपक्वता की कमी दोनों ही टीमों में देखने को मिल रही है क्योंकि जितने भी मौके दोनों टीमों को मिले हैं उन्हें भुनाने में नाकामयाब रही हैं रक्षा पंक्तियां। और ये देखिए और ये पेनल्टी कॉर्नर इस बार सुंदर नगर के नाम। अब देखना ये होगा कि क्या इसे गोल में तब्दील कर पाती हैं सुंदर नगर की गर्ल्स। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट जो हैं वो जरूर हर टीम में रहते हैं। और यहां पर और ये देखिए मजबूत रक्षा पंक्ति लेकिन नहीं भेद पाए उसे। 10 मिनट का खेल यहां पर हो चुका है दोनों टीमें शून्य की बराबरी पर। हालांकि जद्दोजहद जरूर की गई है पेनल्टी कॉर्नर दो आ चुके हैं और दोनों टीमों के नाम एक एक रहा है और किसी भी टीम को सफलता जो है वो नहीं मिली है। और ये देखिए ऊना विल बी द फेवरेट्स ऑफ द टूर्नामेंट क्योंकि ऊना हॉकी की एक बड़ी नर्सरी माना जाता है। 1964 में टोक्यो के ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले ओलंपियन पद्मश्री चरणजीत सिंह इसी ऊना की भूमि से हैं और फिलहाल कुछ दिन पूर्व उनका देहावसान भी हुआ है। ओलंपियन दीपक ठाकुर भी इसी मैदान पर खेले हैं और दीपक ठाकुर के
ओलंपिक्स में सिलेक्ट होने के बाद, उनके भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व करने के बाद, हॉकी की जो सुविधाएं यहां पर बढ़ाई गई उनमें से एक यही एस्ट्रोटर्फ मैदान भी शामिल रहा। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। हॉकी के खिलाड़ी यहां पर जो हैं वो दमखम दिखा रहे हैं। दोनों टीमों को पेनल्टी कॉर्नर्स मिले लेकिन किसी को भी फायदा नहीं हुआ। दोनों टीमें पेनल्टी को गोल में बदलने में नाकाम रही हैं। और ये नाकाम रहा फिर से। और ये मिस किया। तो यही वो खेल की परिपक्वता जिसकी हम बात करते हैं, और यही वो चीजें होती हैं छोटी छोटी जो आपको जीत दिलाने में सहायक सिद्ध होती हैं, और केवल मौके आपको मिलते हैं, उन मौकों को आपको भुनाना होता है। और यही चीज यहाँ पर देखने को मिली है। दोनों ही टीमें मौके नहीं भुना पा रही हैं। कभी सोलन के हाथ से पेनल्टी छटकता है तो कभी सुंदरनगर पेनल्टी को यूज करने में नाकाम रहता है। और ये छोड़ दीजिए गेंद को। ग्रीन कार्ड दिखाया गया है सोलन की खिलाड़ी को। सोलन के हक में फैसला, सुंदरनगर के हक में फैसला हुआ है। और ये देखिए तो मुश्किल होगा इस लिहाज से, इस गेम के हिसाब से किसी भी टीम के लिए यहां से जीत पाना। और ये देखिए एक दूसरे पर हावी हो रही हैं खिलाड़ी, और सोलन की खिलाड़ी, अब देखिए सुंदरनगर गेंद पर कब्जा करता है तो सोलन छिटक लेता है, छीन लेता है गेंद को। सोलन के पास रहेगा मौका, सोलन के हक में गया है फैसला। और एडवांटेज जरूर यहां पर मिली है, और पास करते हुए, और ये हिट ही नहीं लगा पा रही हैं। कॉर्नर मिलेगा शायद। दोबारा से सोलन को ही मौका मिलेगा। और स्टिक में स्टिक फंसी, सुंदरनगर को फ्री हिट दिखेगी। और ये गेंद पर काबू करना सीखिए थोड़ा, बड़ा मुकाबला है, बड़ा मंच है। और ये देखिए दो हिट मिस कर दिए हैं, और व्हेन यू मिस द ऑपोजिशन विल हिट। और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हुटिंग, और वो भी ऊना की देसी लोकल लैंग्वेज में। हॉकी के खेल प्रेमी बने रहे लाइफ टाइम्स टीवी के साथ, तमाम जानकारियां अपडेट्स लेकर आपके बीच आते रहेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ
विशाल शांडिल्य।